भवानी खेड़ा की वार्ड नंबर 3 और 4 की सार्वजनिक गलियों के निर्माण कार्य की मांगों को लेकर वार्ड पार्षद मीरा चोपड़ा का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान उन्होंने प्रशासन से उनकी मांग को जल्द से जल्द लागू करने की बात कही। धरने के तीसरे दिन तमाम ग्रामीण भी शामिल हुए। वार्ड की मांग लागू नहीं होने तक अपना समर्थन करने की बात कही गई है। पार्षद का कहना है कि नगर पालिका ने वार्डों में सार्वजनिक निर्माण कार्य के अनेकों वादे किए थे, जिसको लेकर वे 2 माह पहले भी धरने पर बैठे थे, जहां से उन्हें 10 दिन में समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। अगर उनकी मांगे लागू नहीं की जाएंगी तो आगे भी अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। हम आज यहाँ सार्वजनिक गलियों के निर्माण के लिए बैठे हैं, क्योंकि नगरपालिका ने हमसे कई वादे किए थे कि गलियां बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 2 महीने पहले भी हम धरने पर बैठे थे, इसीलिए तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि 10 दिन के अंदर अंदर हम आपकी गली बनाकर तैयार कर देंगे। आज 2 महीने 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई गली का निर्माण का क्या कोई ईंटें वगैरह कुछ नहीं गिरवाई गई है। सिर्फ आश्वासन और झूठे वादों के अलावा और कुछ नहीं कर रहे नगर पालिका। कब तक धरना चलेगा? ये धरना अनिश्चितकालीन तक चलेगा, जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। किसी अधिकारी का कोई आश्वासन आपके धरने पे बैठने के बाद? अभी तक कोई अधिकारी का आश्वासन नहीं है। हमारी पार्षद मीना चोपड़ा 3 दिन से लगातार धरने पर बैठी हुई है और इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गलियों के निर्माण के लिए 2 महीना पहले भी बैठी थी और प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि 10 दिन के अंदर अंदर गलियाँ पक्की कर देंगे, लेकिन अभी तक भी गलियाँ पक्की नहीं हुई। पार्षद अब दोबारा धरने पर बैठी है और इनके वार्ड की बजाय वार्ड नंबर 13 में भी एक नाला बार बार उसको वहीं तक बना देते हैं, आगे नहीं बनाते, और पानी का लबालब भरा हुआ है। जो ही बरसात आएगी उन घरों को बड़ा खतरा होगा। उसके साथ कुछ और भी गलियां हैं जो लंबे अरसे से मांग करते हुए नहीं। आपका कितना सहयोग मिल रहा है पार्षद धरने पे बैठे? पार्षद के साथ पूरी तरह सहयोग देंगे, जब तक ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे हम इनके साथ बैठेंगे। पूरे गाँव की तरफ से इनका पूरा सहयोग रहेगा। हम पैर होकर बैठे हैं तब तक प्रशासन नहीं करेगा, हम भी बैठे रहेंगे।